अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पर तत्काल वहां पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटनास्थल पूरे सभी साक्षियों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 2-3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें SIT एक गठित की गई थी, और जिसमें फिर IG सर, DI सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया था। एक एडिशनल SP देहात विवेक लाल के अंतर के द्वारा एक इसमें SIT उनके नेतृत्व में SIT गठित की गई थी, और लगातार उसमें क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी, पूरी SIT उसमें विवेचना में लगी थी। कई सारी चीज़ें हमको जो पूरा घटनास्थल है घटनाक्रम है उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे, जो साक्षियों के बयान आ रहे थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया, और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे, कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता उसको भी एकत्रित किया था, और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज जो भी वैसे गांव क्षेत्र लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था, और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई स्ट्रांग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे काफ़ी कुछ ये कन्फर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए, और जिसके आधार पर फिर जब फिर पुनः पूरी टीम के द्वारा परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है, और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की जो मोबाइल पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं, तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं लेकिन हम सारी टेक्निकल जाँच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया, और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी, तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया, उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया, फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी, और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थी, एक नाबालिग बहन है एक बालिग बहन है, वो एक नाबालिग बहन शोर आवाज़ सुन के उठी थी तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया, फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया, फिर चारों लोग ने मिलकर इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई जाए, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया है उससे उसकी मृत्यु हुई है, और फिर उसके बाद किसी ने दो डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए, फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला है, और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे ला कर फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें दो अपचारी बालक हैं और दो बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है? जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी है इसमें। हत्या उसने बालक ने रेप उसके साथ रेप किया था और गला दबा दिया था, ऑलमोस्ट उसकी स्थिति खराब थी, फिर उस बच्ची ने यह भी बोला था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपने पापा के बहुत निकट थी और बच्चे को ये डर लग गया कि कहीं फिर उसके पापा उसको मारपीट ना कर दें, ये सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में आई, और फिर बच्चे को बचाने की
लड़के को बचाने की उसमें जो हम एक सामाजिक कारण भी इसमें समझ में आ रहा है कि एक लड़का है चार लड़कियां हैं, तो एक कारण वो भी हो सकता है कि इस पूरी घटना को इस प्रकार से अंजाम दिया गया है।